भट्टा बना रहे हैं, भट्टा। वैसे एक बात है, कृष्णा भैया इन चीजों को बड़ा गौर से देखते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन एसके की जर्नी, दिस इज सोहिल। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम लोग आ गए हैं, एक शूट है हमारा, वो शूट करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इतने सारे लोग जा रहे हैं, देखते हैं अलाउड करेंगे नहीं करेंगे या फिर हमें भगा दिया जाएगा। यार आज हम लोग दोबारा से उसकी जगह पर आए हैं और यार बड़ी सुंदर लग रही है ये वाली जगह तो अभी भी। वो 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 ताजमहल का बैक साइड गुम्मत है बेबी, मस्जिद। आज से मेरी टोपी रह गई ये वो। तो गाइस अभी यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। गाइस मेरा मानना है कि ये जो ब्लॉक से बने हुए हैं, दरवाजे से बने हुए हैं, कहते थे पुराने जमाने में कई लोगों को दीवार में चिनवा दिया जाएगा, तो मुझे तो लगता है कुछ लोग चिनवा भी दिए होंगे। मतलब कुछ भी दीवार में चिनवा दिया जाता था। अगर समझ में आ रहा है तो देखो उधर के ब्लॉक्स बंद क्यों करा दिए, उधर जो बंद है इधर के ओपन क्यों है। अब अगर और इनको बनवाने का पर्पज क्या है? कोई इनमें से कूलर तो लगे नहीं होंगे, हवा के झोंके आ रहे हैं और इसमें कोई वैसा भी नहीं कि ज्यादा लंबी गुफाएं सी बनी हो कि जिसमें इस बारे में तुम कुछ कहना चाहोगे जनाब? नहीं। तेरी साइकिल, ओ मेरी जान, पीछे देखो यार ऐसा लग रहा है बस देखते रहो। है
एक चीज़ पता लगाई है और बहुत ही शानदार और सटीक बैटरी है वो, तो बताइए ये कृष्णा भैया आप ये बताएं, अगर पहचान करनी है जिसमें पता लगाना है कि मेल की है या फीमेल की है, मेरा कहने का मतलब है वो जेंट्स की है या लेडीज़ की कब्र है, तो उसकी एक पहचान होती है। जो जेंट्स की कब्र होती है उसके ऊपर ये पट्टी ये ब्लॉक सा लगा होता है, महिला की कब्र पर ये बना होता है, और कब्रों की साइज से भी ये दर्शाया जाता है कि उसकी उम्र कितनी रही हुई, यानी कि वयस्क रहा है या वो थोड़ा एल्डर है या वो चाइल्ड का है। तो इधर ये 15-16 साल की लड़की की कब्र है, वो छोटी है डैड का। दिन में खा जाऊंगा। मुझे एक शायरी आ रही है और मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। एहसास बदल जाता है और कुछ नहीं, और ना मोहब्बत पर ना एक ही दिल से होती है। अबे यार ढंग से बजाओ, सुनने दो यार। सो गाइस, मुझे कोई शायरी वारी नहीं आती, मैंने वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दिया इधर। मुझे सिर्फ एक ही चीज आती है, लोग गाना सुन सकते हो। गाना पता कौन सा शूट कर रहे थे, वफा को बे वफा जो कहने, मतलब कुछ भी। सब लोग रेडी हो चुके हैं और जो सस्ते हमने आतंकवादी अपने बनाए हुए हैं वो देखो कितना कर्रा गेटअप लग रहा है। दिखाना अमन भाई, इधर दिखाओ। तो गाइस देख सकते हो आप लोग कितने शानदार लग रहे हैं, और आप पूरा देखते हैं इनका गेटअप। बेलदार तैयार हो गया लाल बस। चलो ठीक है ठीक है, नमस्कार अंकल जी। वो भी बोल रहे थे आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे कुछ कपल्स आते थे एंड यहाँ पे कुछ बदमाश भी लोग आ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे आप समझ सकते हो, कुछ वैसे यहाँ एक तरीके से कांड हुए हैं, लाइक कोई लड़ जाता है कोई कुछ कर जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आना मना है और आप प्लीज़ ना आएँ। ऑलराइट गाइस, चलो ब्लॉग पे ही समाप्त करते हैं, बाद में मिलते हैं, बाय बाय।